एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन फेवरेट चैनल अन अकेडमी आरपीएस लाइव टॉपर्स टॉक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया कैंडिडेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, गाइडेंस, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ देने वाले हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को इंट्रोड्यूस कराती हूँ मैं हर्षिता मैम से, जो की आपको आज गाइड करने वाले हैं। एंड हर्षिता मैम, थैंक यू वेरी मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने समय निकाला हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड अभी आपसे चाहूंगा कि छोटा सा परिचय हमारे स्टूडेंट्स को दे दीजिए अपना। गुड इवनिंग मैम एंड एवरीवन, मेरा नाम हर्षिता मिड्डा है। मैं श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के सूरतगढ़ तहसील से बिलोंग करती हूँ और मेरी सारी एजुकेशन भी सूरतगढ़ से ही हुई है। और वहां रहते हुए मैंने आरएएस एग्जाम फाइट किया 2016 और 229 रैंक पर सिलेक्ट हुई तहसीलदार पोस्ट में, और अभी जम्वा रामगढ़ एट प्रेजेंट पोस्टेड हूँ। पहला सवाल हमारे जहन में उठता है कि तैयारी के लिए एक जो आगाज होता है, शुरुआत होती है, वो कैसे हुई? कैसे आपको लगा कि आपको इस फील्ड में जाना है, यही करना है लाइफ में, आपने कैसे डिसाइड किया? मैम, 10th पास आउट किया जब मैंने, तभी मैंने अपना माइंड सेटअप कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। और 12th पास आउट करते ही ये मेरा इंटरेस्ट और फर्म हो गया जब मैं अपने सर श्री प्रवीण जी भाटिया से मिली। उनके निर्देशन में मैंने बहुत कुछ सीखा और अपना बेस बनाया, और उसके बाद में कुछ घर के इंसिडेंट्स भी ऐसे हो गए जिससे मुझे लगा कि जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो ये इसके बाद में फिर मेरा इंटरेस्ट पैशन में बदलता गया धीरे धीरे, तो मुझे लगा नथिंग इज इम्पॉसिबल वंस यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग। मित्रों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, 10th से एक फर्म डिसीजन ले लेना। हम सब जो है 12th की स्टेज पर आकर, कॉलेज की स्टेज पर आकर, वहां पर भी कंफ्यूज होते हैं किस तरफ जाएं। तो ये जो फर्म डिसीजंस हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं पहले ही प्रयास में अपने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट जो है वो लेने का। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। आपने अगर ठान लिया है, सोच लिया है ऐसा कुछ आपको लाइफ में करना है, तो आप रुके नहीं, उसकी और अग्रसर बढ़ते रहे, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। और नेक्स्ट हम बात पर आए कि तैयारी शुरू हो जाती है तो सबसे पहली बात ये आती है कि अब करें कैसे, कैसे एक शुरुआत की जाए, कैसे हम अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करें। तो उसके लिए हमारे जो लर्नर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, आप प्लीज गाइड करें। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, तो ग्रेजुएशन के साथ इक्वली मैंने अपना बेस बनाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे मतलब 12th तक मैंने पास आउट किया, तब तक मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था, जनरल नॉलेज का भी नहीं मालूम था जीएस क्या है। तो मैंने अपना करंट अफेयर्स जैसे क्रोनोलॉजी, प्रतियोगिता, दर्पण एक्सेट्रा और एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस किया, जिससे मेरा बेस सॉलिड हो गया। और जब मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर हुई तो मुझे इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा। मैम, फिर आप स्टेजेस में आगे कैसे बढ़े? बिकॉज आपने जब इनिशियली स्टार्ट किया, जैसा आपने कहा जीके जीएस का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो सभी इसी स्टेज पर होते हैं, तो वहां से आपने एक शुरुआत ली, पर फिर आगे का ये जो लंबा सफर है प्रीलिम्स और मेंस का, वो आपने कैसे टैकल किया? मैं आपको बताऊं, मैंने ग्रेजुएशन में जैसे ही तैयारी स्टार्ट की तो मैंने मेंस के अकॉर्डिंग राइटिंग स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि यूपीएससी या आरपीएससी है, सिविल सर्विसेज में राइटिंग स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना जरूरी है। तो उससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मैंने प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पे भी मेरी कमांड अच्छी हो गई। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप तैयारी स्टार्ट करो तो केवल प्री पर फोकस ना करते हुए मेंस को ज्यादा डेडिकेट होकर अपनी तैयारी कीजिए। That is very nice. मेंस को साथ साथ चलाएं, ये जो आपने एडवाइस दिया, और प्लस बहुत अच्छी एक एडवाइस की राइटिंग स्किल डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मेजरली वो उस पर फोकस रहेंगे। बिल्कुल मैम, तो इसी पर इस सवाल की आंसर, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कैसे किया जाए हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा, कैसे शुरुआत की जाए उसकी और कैसे अपने आप को उस लेवल तक लाया जाए? शुरुआत करने के लिए हमें बेसिक से ही शुरुआत करनी होगी। हम कोई भी टॉपिक जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे राजस्थान की पॉपुलेशन है, तो उसका उसको इस वे में तैयार कीजिए कि वो हमें फैक्चुअल भी दे और कंसेप्ट भी दे, जिससे हम दोनों का इक्वली बैलेंस कर पाए। तो
उससे हमें और उसके रिटर्न प्रैक्टिस हमें ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि रिटर्न प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. रिटर्न प्रैक्टिस काफी ज्यादा करनी चाहिए, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट मैम. जैसा कि दर्शक आप सुन रहे हैं कि आपको मेन सिर्फ पढ़ना नहीं है, बिकॉज आप किताबी ज्ञान जितना ले लेंगे लेकिन जब तक उसको पन्ने पर नहीं उतारेंगे तो बात बनेगी नहीं. और पन्ने पर उतारने के लिए हमको चाहिए प्रैक्टिस. जैसा कि मैम ने बताया, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, मेन्स की मेन्स पर फोकस करते हुए चलिए और आंसर राइटिंग को बहुत ज्यादा डेवलप करिए. तो काफी अच्छी जो एडवाइस है और टिप्स है आज हमें मिली है. एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं आरपीएससी का जो सफर है काफी लंबा है, पेपर होगा नहीं होगा इस चीज की जो संभावनाएं हैं हमें बहुत लंबे दौर तक खींच के ले जाती है. तो उस सारे समय में मोटिवेटेड रहना, सेम पैशन के साथ तैयारी करते रहना, ये बहुत मुश्किल एक समस्या हो जाती है. तो उस समय पे हमारे लर्नर्स जो है वो क्या करें? बिल्कुल, मेरे साथ भी जब मैं तैयारी स्टार्ट कर रही थी या कर रही थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम आई. लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि जब मैं तैयारी स्टार्ट की मैंने तो मैं अंडर एज थी, तो हमारे जो बैचमेट्स थे वो सीनियर थे, तो हम उनके साथ ही बैठते थे पढ़ते थे. तो जब रिजल्ट आया तो हमें लगा अरे वाह इतनी अच्छी रैंक पे सिलेक्ट हुए ये, अगर ये कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. तो ये सबसे अच्छा मोटिवेशन का पॉइंट रहा मेरे लिए. दूसरी बात, जब हम कोचिंग कर रहे थे तो हमारे सर हमें कंटिन्यू सीनियर आरएएस से जो सिलेक्टेड थे और आईएएस सिलेक्टेड थे उनसे हमें रूबरू करवाते थे समय समय पर. तो उनकी जो शान है या फिर उनका जो जज्बा देख के हमें भी ऐसे लगता था कि अरे वाह हमें भी कुछ ना कुछ लाइफ में करना है. इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है, मेरा पर्सनल व्यू कहता है कि फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है. तो मेरे फादर भी एजुकेशन बैकग्राउंड से थे तो उन्होंने हमें प्राइवेट स्पेस दिया कि जो आपको अचीव करना है विदाउट एनी प्रेशर तो आप करो. तो इन सब चीजों से मैं मोटिवेट हुई. और जो मेरे एक और पर्सनल व्यू है मेरा कि बैलेंसिंग अप्रोच होनी चाहिए आपकी, ना केवल आप स्टडी में इतना खो जाओ कि आपको कुछ भी ना मालूम हो. तो फैमिली टाइम, फ्रेंड्स, अपनी एक्सरसाइज, डेली रूटीन में ये भी ऐड करना जिससे आपकी लाइफ बोरिंग ना होगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आपका पैशन इंक्रीज होता रहेगा डे बाय डे. दैट इज सच अ गुड एडवाइस मैम, क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो हमारा एक अप्रोच ये बन जाती है कि बस किताबी कीड़ा बन जाओ, किताब में घुस जाओ और कुछ नहीं करना है लाइफ में. कोई मूवी देखने जा रहा है तो तुम क्यों मूवी देखने जा रहे हो? यूपीएससी है तो वो प्रैक्टिकल ज्यादा है ना कि जैसे कोई और एग्जाम देते हैं, जैसे टीचिंग का एग्जाम है या कुछ डॉक्टर्स एमबीबीएस तो उनको थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम मैनेजमेंट करने जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है इसके लिए. तो इसके लिए जरूरी है हम अपने हेल्थ को भी थोड़ा ध्यान रखें. बहुत अच्छा पॉइंट कहा आपने, क्योंकि हम किताबी ज्ञान प्रदर्शित करने नहीं जा रहे हैं, हम एक फील्ड जॉब में जा रहे हैं या ऐसी जॉब में जा रहे हैं जहां आपको डिसीजन मेकिंग, डीलिंग बहुत सारी करनी पड़ेगी, जहां हमारी पर्सनालिटी मैटर करेगी. और पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए हम किताबी कीड़ा बनकर नहीं रह सकते, हमें बाकी सारे डायमेंशन पर फोकस करना है अपनी लाइफ में, ऑलराउंड डेवलपमेंट कीजिए. तो ये जो एडवाइस मैम ने हमें दी है बहुत काम आने वाली है, आप सभी के जरूर फॉलो कीजिए इसको. और जो फॉलो कर रहे हैं या जो आज से ही फॉलो करना शुरू करने जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज जरूर बताइए. तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि जैसे तैयारी के प्रारूप आज के समय में बहुत ज्यादा बदल चुके हैं, नए नए आयाम आ चुके हैं तैयारी में, उसी प्रकार मैम अगर आपकी तैयारी के दौर में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अगर सहयोग मिलता है, उनका इतना ज्यादा जो अवेलेबिलिटी है वो मिलती, तो आपको क्या लगता है कितना सहयोग हो जाता उसमें? बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन पोर्टल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. जैसा कि अभी भी हम देख सकते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन है ना, कंडीशंस कुछ ऐसे हैं कि हमें घर पे रह के स्टडी करना बेनिफिशियल है. तो जैसा कि हमारे टाइम में देखा मैंने, जैसे 2016 का एग्जाम दिया मैंने, तो अगर हमें कुछ गेन करना है तो हमें प्रेजेंट होना पड़ेगा फिजिकली. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑनलाइन पोर्टल है इसके माध्यम से हमें जो भी हमें इंफॉर्मेशन है वो हम घर बैठे भी एक्सेस कर सकते हैं. तो मुझे लगता है योर प्लेटफॉर्म इज एट द एपिटोमी ऑफ द ऑल एप्लीकेशंस. तो बहुत अच्छा काम कर रहा है आपका जो ये चैनल, तो
सुविधाएं आपको मिल रही है, घर बैठे क्लासेस मिल रही है, एक सुरक्षित एनवायरमेंट में आपको सब कुछ मिल रहा है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो आप लोग सेकेंड थॉट्स मत लाइए माइंड में, जरूर इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसका जो एफर्ट है उसको आप अडैप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छी बात मैम ने कही। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो दौर होता है हमारा, एग्जाम का दौर होता है, उस टाइम पे हम बहुत सारा प्रेशर फील करते हैं कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहरी प्रेशर है, अगर हमें बाहर के लोग प्रेशराइज करें, कई बार इनबिल्ट प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है कि क्या हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है जैसे जैसे पेपर अप्रोच करता है। सिंस अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी वैकेंसी अनाउंस होने वाली है, उम्मीदें जारी है, हम मालूम नहीं है कब तक पूरी होगी, बट इन दैट केस जैसे ही अनाउंसमेंट आती है बहुत प्रेशर बिल्ड हो जाता है, तो वो प्रेशर से डील कैसे करें? बिल्कुल ठीक बात बोली, प्रेशर तो हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो यूपीएससी आरपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको पहले ही अपना माइंडसेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो एक मीडियम है जो हमें वहां तक ले जा रहा है, क्योंकि आगे फील्ड में जाएंगे तो हमें सिर्फ मैनेजमेंट का ही काम करना है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर माइंडसेट कर लिया हमने तो ना कि हमें ड्यूरिंग प्रिपरेशन आफ्टर जॉब भी हम फ्री माइंड से काम कर पाएंगे, जैसा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपने आफ्टर जॉब एक्सपीरियंस की बात की, तो हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे आपका कि एक्चुअली वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा है आपका? बिल्कुल, जैसे अभी मेरी पोस्टिंग हुई अभी 23 जनवरी को, और लास्ट मार्च तक हमारे कोविड सिचुएशन आ चुकी थी, तो मुझे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर लगाया हुआ था माइग्रेंट्स को भिजवाने के लिए घरों में, तो हमने खूब स्ट्रेस भी था कि केसेस भी बढ़ रहे हैं जैसे, और उसके साथ सिचुएशन को हैंडल करना, सभी को उनकी बेसिक जो एमिनिटीज है वो प्रोवाइड करवाना, तो इसके साथ बहुत माइंड सेट करना खुद का भी, बहुत लोग भी ऐसे बोलेंगे कि आप वहां जाते हो तो आप उनको भी हो सकता है कोविड हो जाए, तो इन सब चीजों को नकारते हुए माइंड फ्री माइंड से काम करना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने मैनेजमेंट करना मुझे लगता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही देख लिया, जैसा कि आपको पता है कि लंबा टाइम वहां भी लग जाता है और माइंड में प्रेशर हो जाता है। तो जी हाँ, बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि मित्रों हम हमेशा बात करते हैं कि पद का अट्रैक्शन है एक, कि पद मिलेगा सरकारी पद इतना बड़ा, पर वास्तविकता ये है कि सिलेक्शन के बाद वो पद नहीं, पद के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज मायने रखती है, और उसके लिए जो हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जितना बखूबी से मैम ने बताया कि जो वर्क मैनेजमेंट है, आपको बहुत सारी स्ट्रेस की सिचुएशन से भी डील करना पड़ेगा, आप उस पद के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो इन छोटे छोटे स्ट्रेस से ना डरें और हिम्मत के साथ अपना काम जो है वो करते रहें। मैम एक छोटा सा जी मैम, आपने टारगेट पर अट्रैक्ट हो जाइए तो आपका स्ट्रेस यूं ही दूर हो जाएगा, कि हमें अगर हम अभी इतनी मेहनत हार्डवर्क करेंगे तो आगे जाके हम इस पोस्ट पे पहुंचेंगे, तो अपने आप माइंड पॉजिटिव वे में जाएगा। जी मैम बिल्कुल। मैम एक चीज और थी, जैसे जो ये मैनेजमेंट की बात आती है तो उसमें सबसे बड़ी चीज आती है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, प्रीलिम्स का देन मेंस का, तो पूरा सिलेबस कवरेज करने के लिए भी हमको एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है, ताकि हम सिस्टमैटिक रूप से उसको कवर कर सके, तो इसके लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए स्टूडेंट्स? बिल्कुल, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सिलेबस को देख के ही घबरा जाते हैं, तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मेरे जो बैचमेट्स थे मेरे साथ भी, तो क्या करते हैं कि सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो जो अनयूज चीजें होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उनको एक तो सबसे पहले हटा दीजिए, कुछ भी टॉपिक है तो हम सिर्फ वही टॉपिक करें जो एज इट इज हमें पूछा गया है, क्योंकि सिलेबस अपने आप में इतना वाइड है कि हमें एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और सिलेबस मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपनी स्टडीज स्टार्ट करें तो हमें एक सिलेबस की कॉपी अपने साथ रखें, कि ये टॉपिक इसमें है, आज हमें ये टॉपिक करना है, और एक टारगेट बना लीजिए कि आज हमें इतने टॉपिक्स करने हैं और आज हमें ये काम करना है,
तो मुझे लगता है मुश्किल नहीं है इतना काम। That is such a good advice, ma'am, कि सिलेबस हमेशा आपने पास रखें, सामने रखें कि आपका एक्चुअल टारगेट क्या है और उस टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करते हुए, जैसे कि मैम ने कहा, आप उसको कंप्लीट करते जाएं, सिलेबस अपने आप कंप्लीट होगा एंड कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। मैम कुछ मोटिवेशनल कुछ शब्द जो आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहें जो उनको बहुत जोश में डाल दे कि तैयारी के लिए वो जुट जाए। मोटिवेशनल तो ये कहूंगी कि बहुत नेक काम करने जा रहे हैं हम, इस ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है मुझे लगता है कि हम जो जरूरतमंद लोग हैं जो उनकी मदद करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैंने अपना भी बताया कि असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर लगाया हुआ था, तो मतलब जो जरूरतमंद गरीब लोग थे उनके जो चेहरे पे जो चमक और मुस्कान थी जब उन्हें घरों में पहुंचाया जा रहा था, तो मतलब उस मुझे लगता है कि उससे बढ़कर सुख और आनंद की अनुभूति का क्षण नहीं हो सकता। तो सबसे मोटिवेशन की बात यही है, तो हमेशा हमेशा ये मोटिवेट होके रहें और मेन टारगेट को मतलब कि हमेशा दूसरों की सेवा का होना चाहिए, परम सेवा है ना, तो ये समझ के काम करेंगे तो बिल्कुल मोटिवेट होंगे। That is such a good advice, ma'am. तो दोस्तों याद रखिए, सिलेक्शन सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए, स्वार्थी ना बने, ये सेवा का पद है, जॉब नहीं है, सेवा का पद है, और सेवा की भावना से ही आप इसकी ओर अग्रसर हो तो जरूर सफलता भी मिलेगी और सफलता के साथ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा जो आप पूछ रहे हैं वाकई। तो मैम बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने आज हमें दी, बहुत मोटिवेट किया हमारे स्टूडेंट्स को, एंड आई होप आप सभी को बहुत सारी जो अपनी प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज थी, जो आप छोटे छोटे इश्यूज डेली फेस करते हैं, उनके अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हमारे टॉपर्स से यहाँ पर मिले होंगे। और अगर आपके कुछ भी सवाल बाकी रह गए हो तो कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और जो भी आपके व्यूज हो हमें कॉमेंट सेक्शन में आप सभी का इंतजार रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर जो मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके मित्रों, तो नेक्स्ट सेशन में नए टॉपर के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।